नमस्ते एंड वेलकम टू बाइकिंग वाइकिंग राइडिंग स्टोर। उम्मीद है आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी एंड यू गाइस माइट हैव एंजॉयड अ लॉट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो डिड वी। एंड सॉरी हम लोग दिवाली के टाइम में कुछ अपडेट नहीं कर पाए, कुछ वीडियोस नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। हम यहाँ पे है वापस एंड बात करते हैं कुछ राइडिंग लगेज की। आज तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं इसकी, ये है वायाटेरा क्लॉ। तो वायाटेरा क्लॉ बेसिकली एक टेल बैग है एंड इसको लॉन्ग हॉल लगेज भी बोल सकते हैं आप, अपनी लंबी ट्रिप्स और लंबी राइड्स के लिए डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, 100% वाटरप्रूफ है, ऑल वेदर लगेज है और दुनिया भर की स्टोरेज है इसके अंदर। आइए देखते हैं कि ये जो छोटा सा बैग दिख रहा है यहाँ से, ये क्लॉ, ये जब खुल जाता है तो कैसा होता है। सो दिस इज वायाटेरा क्लॉ वंस इट इज सॉर्ट ऑफ पैक। ये अभी फुल भरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हमने इसके अंदर सामान रखा हुआ है हल्का फुल्का। एंड ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये सीधा आपकी मोटरसाइकिल की सीट पर जाके बैठ जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। फोर पॉइंट माउंटिंग है इसकी। यहां से आप जो बेल्ट देख रहे हैं ये एक है, इस हुक के अंदर दूसरी बेल्ट आएगी और पीछे की तरफ दो बेल्ट्स हैं जो हम आपको इंस्टॉलेशन वीडियो में दिखाएंगे। चार पॉइंट्स है, हुक हो जाता है, कहीं हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिक्योरली बाइक पे टिका रहेगा आपका लगेज। आइए देखते हैं इस बैग की खासियतें क्या है। स्टोरेज स्पेस के मामले में दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा जगह है, 75 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी है। 75 लीटर्स आपको लग रहा होगा कि लीटर्स में कैसे कंपेयर करें, बट इसको देखा जाए तो इसके अंदर लगभग आप आराम से 10 दिन से 12 दिन मिनिमम अगर आप राइड कर रहे हैं तो उतनी चीजें, सामान, कपड़े, टूल्स, स्पेयर्स आप लेके जा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। आइए देखते हैं इसके अंदर स्टोरेज क्या है। पहले तो बाहर से शुरू करेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। तो बाहर इसे दो पॉकेट दी गई है, ये पॉकेट लगभग इतने साइज के, इसमें आप 5 लीटर का एक जेरी कैन डाल सकते हैं जिसमें आप पानी या फ्यूल इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी कैरी कर सकते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा। इसको सिक्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बकल दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रैप कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इस पॉकेट के ऊपर एक फ्लैप है, फ्लैप के ऊपर एक और जिपर पॉकेट दी हुई है, अगर आपको कोई छोटे मोटे सामान रखने हैं, क्विक एक्सेस करना है, उसके लिए चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है YKK के ओरिजिनल जिपर्स के साथ आता है, सिर्फ बोलने के लिए YKK नहीं है, ओरिजिनल YKK जिपर्स देते हैं एंड एक्चुअली आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लगेज ले सकते हैं जो शायद ही कभी खराब होगा। सेम चीज इसी साइड पे दी हुई है, सेम प्रोविजंस है, पॉकेट, स्टोरेज। अगर आपने एक साइड अपना फ्यूल और वाटर रखा है जो हमने पहले पॉकेट दिखाया, इसके अंदर आप अपने टूल्स रख सकते हैं, टूल किट रख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा स्पेयर रख सकते हैं, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन रख सकते हैं, फर्स्ट एड किट रख सकते हैं। सेम चीज अगेन पॉकेट के ऊपर जिपर दिया हुआ है, जिपर के अंदर और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है छोटा सा जिसके अंदर क्विक एक्सेस आइटम रख सकते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर की सेक्शन की तरफ, ये है इसका टॉप कवर। अब टॉप कवर में भी इसमें फायदा है कि अगेन 1 एक्स्ट्रा पॉकेट ऑन द टॉप। ट्रैवलिंग के टाइम अगर आप रुक रहे हैं, आपको कुछ स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हैं, आप अपने ग्लव्स रख सकते हैं कहीं बाइक रोकी तो, या फिर कुछ आपकी मेडिसिन है, कुछ और छोटी मोटी चीजें आपको एक्सेस लगती हैं, एक्शन कैमरा, उसकी बैटरीज हैं रखनी है वो रख सकते हैं, कुछ भी चीजें रख सकते हैं इसके अंदर। अब इसका मेन स्टोरेज, ये है इसका मेन स्टोरेज कंपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर से हम अभी के लिए कोशिश करते हैं सामान निकाल दें। So you can see how deep it is and how spacious it is. ठीक है, ये इसका आप इसके अंदर डायरेक्टली लगेज रख सकते हैं, अगर आप श्योर हैं कि जहां आप जा रहे हैं वहां बारिश नहीं होने वाली, पानी नहीं है, कुछ नहीं, तो आप डायरेक्टली लगेज इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि आप अप नॉर्थ जा रहे हैं, पहाड़ों जा रहे हैं, जहां पे आऊंगा ना आज की तारीख में नवंबर दिसंबर में भी बारिश गिर जाती है, तो इसके साथ आता है वाटरप्रूफ इनर जो आपको सिर्फ इसके अंदर रखना है। सिंपल सा बकल दिया है, खोलिए, इसकी शेप क्लॉ की शेप की तरह ही है तो कोई लगाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड देन यू कैन स्टोर व्हाटएवर यू वांट इनसाइड इट,
बंद करिए एंड एज रेकमेंडेड, जनरली हर वाटरप्रूफ लगेज के साथ यही कहा जाता है कि इसको बंद करने का, इसकी हवा एक बार आपने निकाल दी तो इसको एक दो और तीन, मिनिमम तीन फोल्ड चाहिए कंप्लीटली वाटरप्रूफ सिक्योर के लिए, एंड देन गुड टू गो, दैट्स अबाउट इट, एंड यू आर हैप्पी ऑन योर बाइक एंड योर लगेज इज सिक्योर्ड, वाटरप्रूफ एंड सेफ। वन मोर थिंग, और एक इंटरनल पॉकेट है, अगेन क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स, एक्स वाई जेड, एबीसीडी, दुनिया भर की चीजें हम लेके चलते हैं जब हम बाइक पे जाते हैं, तो छोटी मोटी चीजें आप इसमें भी रख सकते हैं, तो स्टोरेज के मामले में कोई भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हर लगेज जहां से भी आप खरीदते हैं, हर शॉपकीपर बोलेगा कि सर इसकी वारंटी है, एबीसीडी है, ईएफजी है, जो भी है, वायटेरा की वारंटी तो है ही है प्रोडक्ट पे। अगर आपकी वारंटी पीरियड के बाद भी जस्ट इन केस एक छोटा मोटा, भगवान ना करे कभी ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बाइक गिर जाए, बैग डैमेज हो जाए, घस जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, दे ऑफर रिपेयर सर्विसेज। और ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जब आप लगेज खरीदेंगे ना, तो हम कैमरा को थोड़ा पास में लेके आते हैं, यू कैन एक्चुअली रीड इट, लेकिन आप लगेज जब खरीदेंगे तो उसके ऊपर टैग आते हैं, उस टैग के अंदर ये बकायदा मेंशन है कि दे डू रिपेयर सर्विसेज एंड इट इज अ कंपनी विच स्टैंड्स बाय इट्स वर्ड। मटेरियल के बारे में बता दें, हाई डेनियर फैब्रिक है, एब्रेशन रेजिस्टेंट है काफी हद तक, हमने हमारे एक्सपीरियंस में कोई कंप्लेंट्स देखी नहीं है वायटेरा से, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑन पार हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल लगेज मैन्युफैक्चरर, और काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके देखने में फील करने में ही पता चल जाता है। ये तो होगी इसकी साइज की बात, पॉकेट हमने बता दी, ये बता दिए चार पॉइंट से बाइक पे लगा। अभी भाई साहब बाइक से तो उतरना भी पड़ता है, चढ़ना भी पड़ता है, अभी बाइक से अगर उतर गया और कुछ और रखना है तो इसके ऊपर आप वायटेरा के नए लगेज आए हैं जो आप इसके ऊपर बांध सकते हैं, और ये जो स्ट्रैप है ये सिक्योर स्ट्रैप है इसके लिए, इसके बीच में भी आप कोई अपने पोर्टेबल छोटा लगेज बांध के लेके जा सकते हैं। एक बार आप बाइक से उतर गए तो फिर इतनी बड़ी चीज को कैरी कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बगल में दो और हुक्स दिए हुए हैं, ये शोल्डर स्ट्रैप है इसकी, अगेन गुड रबर क्वालिटी, जो आप कैरी करेंगे तो आपके कंधे पे आएगी ताकि बेल्ट आपको चुभे नहीं, गुड क्वालिटी हुक्स, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, वन टू एंड यू गुड टू गो। नाउ द लास्ट आइसिंग ऑन द केक, ये वाटरप्रूफ तो है ही, अंदर वाटरप्रूफ जैकेट भी है, आपके सामान जो अंदर है वो तो सेफ है, अब बाहर कुछ अगर ऐसा सामान रख दिया जो गीला हो सकता है तो क्या, चिंता की कोई बात नहीं है, 100% वाटरप्रूफ इनर होने के बाद इस बैग के ऊपर इतना बड़ा एक अलग से कवर है, मतलब इसको आप पहना दीजिए भाई साहब को, ये लगने के बाद इसके नीचे एक अलग से वेलक्रो स्ट्रिप है जो इसके नीचे की कैविटी जहां से सीट पर बैठेगा वहां से स्ट्रैप घूम कर आएगी और पीछे की तरफ यहां आके वापस अटैच हो जाएगी, तो ये आपका कवर अगर आप हाई स्पीड में भी बाइक चला रहे तो उड़कर कहीं नहीं जाने वाला, सो यू आर एक्चुअली 100% सिक्योर। एंड आपको लग रहा होगा कि बैग पूरा कवर नहीं होता है, लेकिन ये बैग पूरा कवर हो जाता है। सो जैसे कि हम आपको सब डिटेल्स बता चुके हैं वायटेरा क्लॉक की, तो देखते हैं इसको मोटरसाइकिल पे कैसे माउंट किया जाता है, तो लेट्स फॉलो एंड लेट्स गो टू द बैक साइड एंड सी हाउ इट्स डन। So let's see the installation कि वायटेरा क्लॉक फिट कैसे होता है मोटरसाइकिल पे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने TVS Apache RTR 160 ली हुई है, और नॉर्मली आपकी हर बाइक के ऊपर सीट लगभग सेम आती है, फिटिंग के स्टाइल सेम है, तो बहुत ही आसान है। अब ये बाइक का पिछला हिस्सा है जहाँ पे ये स्ट्रैप दी हुई है, कैमरे को थोड़ा सा पास में लेकर आएंगे, आपको जो बैग मिलेगा तो एक साइड डबल डी में स्ट्रैप लगी हुई होगी, अगर नहीं भी लगी तो बहुत आसान है इसको लगाना, वैसे लगी हुई ही आती है, ये देख लीजिए, ये स्ट्रैप आपको मोटरसाइकिल के टेल के नीचे की तरफ से लेंगे, तो इंडिकेटर के पीछे से हम इसको निकालते हैं, यहाँ से ये स्ट्रैप आ गई, इस साइड पे भी डबल डी बकल दिए हुए, स्ट्रैप डालने का तरीका ये है,
आपने यहाँ से स्ट्रैप डाली, ये आपने स्ट्रैप जितना आपको टाइट चाहिए उतनी टाइट की, डबल डी को स्प्लिट करेंगे, दूसरे वाले बकल में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से हम इसको स्ट्रैप को डालेंगे वापस जहाँ से पहले डाली थी और यहाँ से इसको पुल कर देंगे। अब जितना आपको टाइट चाहिए आप इसको खींच सकते हैं और ये उतना टाइट हो जाएगा। लूज ये अपने आप नहीं होने वाला जब तक आप डबल डी को खोल के स्ट्रैप्स को बाहर नहीं निकाले, तो आपको जितना चाहिए आप उतना टाइट इन स्ट्रैप्स को कर सकते हैं। ये है पिछला हिस्सा, अब ये एक्स्ट्रा स्ट्रैप है, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर भी स्ट्रैप में इलास्टिक दिया हुआ है, इसके अंदर से निकाल दीजिए और इस पर हल्की सी नॉट बांध के यहीं छोड़ दीजिए, ये अपनी जगह पर रहेगी। अब आते हैं आगे के इंस्टॉलेशन पे। आगे की इंस्टॉलेशन के लिए भी सेम स्ट्रैप्स दी हुई हैं, एक स्ट्रैप लेफ्ट की है एक राइट की है, इनको फिट करने का भी तरीका वैसा ही है, बैक के नीचे डबल डी स्ट्रैप दिया हुआ है। ये आप अपने फुट पैक के यहाँ से ले सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से ले रहे हैं, रेयर पिलियन फुट पैक जो है उसके वहाँ से ले रहे हैं। ये हमारी स्ट्रैप आ गई है, डबल डी में डालने का तरीका वही रहेगा जो पहले था। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लाइक आपकी डबल डी रिंग हेलमेट्स होती हैं वैसा ही है, एंड दैट्स अबाउट इट। टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम लगते हैं इंस्टॉलेशन में। सेम इसी तरीके इंस्टॉलेशन वहां करनी है। आपका कैरी स्ट्रैप है, एक बार आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप इसको निकाल सकते हैं। क्लिप टाइप बकल दिए हुए हैं तो निकालने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। पुल इट अप, फोल्ड इट नाइसली, इसको आप सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से बाहर की दी हुई पॉकेट में, ताकि जब आप उतरेंगे यू कैन अगेन यूज द स्ट्रैप टू कैरी योर बैग व्हेरेवर योर डेस्टिनेशन। गुड टू गो। आप लोगों ने देखा कि वायर टेरा क्लॉ की खासियतें, बिफोर यूज का साइज, आफ्टर पैकिंग या मटेरियल का साइज देख लिया, इसकी इंस्टॉलेशन आपने देख ली, इसके फायदे देख लिए। इसके बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, वॉट एवर आपके दिमाग में, भाई ये मेरी इस बाइक पे बैठा है इसकी वजह से इसमें ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, वॉट एवर जो भी आपके सवाल हो, फील फ्री कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, या फिर आप डायरेक्टली हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स नीचे लिंक में दी हुई होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ चीज़ों के वीडियो बनाने चाहिए, जैसे आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में ध्यान दिया होगा कि हमारी वर्कशॉप भी है जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो बाइक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी रिगार्डिंग गियर्स, हेलमेट्स, इंस्टॉलेशन, बाइंग प्रोडक्ट्स यू बाइड फ्रॉम एनीवेयर, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेक स्पेक में हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम बेसिक एप्लीकेशन और यूज के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए, तो आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहते हैं मोस्ट वेलकम टू आस्क अस। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम बाइकिंग। नमस्ते।